कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अध्याय भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप क्या है? भगवान का पूजा करना, ब्राह्मण का पूजा करना, गुरु का पूजा करना, पिता माता बड़े लोगों का पूजा करना और सफाई से रहना, सरल रहना, ब्रह्मचारी का पालन करना और अहिंसा का पालन करना, ये सब शरीर का तप है। श्लोक संख्या 15। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मय तप उच्यते। बोलने का तपस्या है कि सच बोलेंगे और सामने वाले का फायदा हो ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे किसी का दिल टूटे, और हमेशा वेदों को बोल रिसाइट करेंगे, वेदों को वो दोहराते रहेंगे। और श्लोक संख्या 17वां अध्याय भगवत गीता श्लोक संख्या 16 16। मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्मविधिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्व, सौम्यता रखना, सरलता रखना और अपना वजन बना के रखना, अपने में कंट्रोल करके रखना और अपने विचारों को शुद्ध रखना, ये मन का तपस्या है। हरे कृष्ण भक्तों, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, कृष्ण भगवान बहुत सुंदर श्लोक में सिखा रहे हैं कि कैसे हम शरीर का, वाणी का और मन का तपस्या कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, एक सन्यासी का काम है शरीर से, मन से और वाणी से भगवान का सेवा करना, और ये तीन श्लोकों में हम देखते हैं कि शरीर का तपस्या क्या है, मन का तपस्या क्या है, वाणी का तपस्या क्या है। तो सब पहला जो है शरीर का तपस्या, शरीर के तपस्या का तो है वो हमने कल बहुत बताया आपको, शरीर कैसे तपस्या करेंगे। आज हम आपको हम थोड़ा वाणी का और मन का तपस्या, इसके ऊपर थोड़ा हम बताएंगे वाणी का तपस्या कैसे करें। जब भी हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बात करते समय हम लोग जैसे जब बात करते हैं तो बात करते समय हम लोग कोई चीज छिपाते भी, सब चीज तो हम लोग बताते नहीं, सरल रूप से हम लोग बात करते नहीं, किसी न किसी चीज को हम लोग छिपा लेते, और जब छिपाते हैं वही सरलता नहीं होता। सरलता का मतलब कुछ छिपता नहीं, उसमें सब चीज बोला रहता, और सरल जीवन का मतलब कोई चीज छिपता नहीं, वहां सब चीज सबको पता रहता। भगवान के धाम में, वैकुंठ में, अंदर का भाव चेहरे पे एक ही दिख जाता है लोगों को। तो वो जो भाव दिखता है वैकुंठ में, आप अगर जाएंगे तो आपको सरलता, तो वहां सब क्या है, सब 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 सरल स्वभाव है, तो अंदर का भाव बाहर का भाव सबका एक ही दिखता है, हमेशा वो भाव पता चलता है क्या है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंदर का भाव छिपा लेते और बाहर का भाव कुछ रहता है, अंदर का भाव कुछ रहता है, हम लोग छिपाते हैं ना, बात करते करते बहुत कुछ छिपा लेते, बहुत कुछ छिपाते हैं, क्या रहता है अंदर और क्या रहता है बाहर, दोनों बात हम भाव छिपा लेते हैं। जब रावण सीता जी के पास आया तो थोड़ी पहले कहा कि मैं तुमको अपहरण करके ले जाऊंगा, पहले तो बोला अलख निरंजन, पहले तो बोला हमको कुछ भिक्षा दे दो, और उसके बाद भिक्षा लेने के लिए आया, उसके बाद बोलते 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 उसका अंदर का भाव बाद में प्रकट हो गया कि हमको भिक्षा नहीं चाहिए, हमको तुम ही चाहिए, है ना। तो अंदर का भाव लोगों का अलग रहता है, बाहर का भाव अलग रहता है, इसलिए ये जो अंदर और बाहर का भाव का जो फर्क होता है, इसलिए सरल व्यक्ति नहीं बनता। रावण सरल था कि नहीं था, अगर एक सवाल पूछेंगे कि रावण सरल था कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, रावण सरल था कि नहीं था? नहीं नहीं था। हाँ, नहीं था, रावण सरल नहीं था,
अगर रावण सरल हो गया तब तो फिर खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा, फिर तो भागवत फिर तो भागवत पढ़ के क्या फायदा है इसका मतलब। हाँ तो इसका मतलब है कि, और अगर आप फिर से देखेंगे, कंस जो था, कंसेना प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेना प्रहिता घोरा, कंस भी ऐसा ही था, कंस भी अंदर से चाहता था कृष्ण का वध हो, लेकिन ऊपर से जो है कुछ और दिखाता था। जब देवकी को सातवें बच्चे, जब वो दुर्गा जी को जब वो नहीं मार पाया, दुर्गा जी जो उसकी जो हाथ से छूट गई लड़की, कंस मारना चाहता था ना देवकी की बेटी को भी, आखिरी बेटी को, तो जब उसने उसको मारने के लिए जमीन पे पटका, तो दुर्गा जी तो हाथ से, लड़की तो हाथ से छूट के दुर्गा जी बन गई, और दुर्गा हंसने लगी, अरे मूर्ख मुझे मारेगा, हा 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 मुझे मारेगा मूर्ख, तेरा मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। और कंस जो, उसके बाद दुर्गा वहां से गायब हो गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो देवी प्रकट हो गई उसके सामने, वो रोज पूजा करता था या देवी सर्वभूतेषु, और आज देवी उसको प्रकट हो गई। अब कंस का जो है ना असली, देखो क्या है, कंस गिर गया देवकी के पैर पे, पैर, और गिर के कहता है, दीदी अमा के खूब बोड़ो भूल हो गए छे, अमा के माफी दिए दा, आमी तो दुष्ट, आमी तो कमीना, आमी तो डैस, आमी तो डैस, मेरे को छोड़ दो, मेरे को माफ करो, गलती हो जाता है, मेरे को पता नहीं था, मेरे को देवता लोगों ने झूठ सच बोल दिया था कि देवती देवकी का आठवां बेटा होगा, देवता लोग मेरा दुश्मन था, हम क्या करें, उन लोग पे भरोसा हो गया हमको, हमको भाई समझ के माफ करो। इतना रोया, रोते रहा सर पटकते रहा जमीन पे, देवकी के पैर पे इतना रोया, इतना रोया, जिस माँ का 6 बेटा मार चुका है वो माँ का दिल पिघल गया, और वो माँ ने माफ कर दिया। कंस सरल था कि नहीं था? नहीं था। ऐसा कब हुआ? जब दुर्गा जी का दर्शन हुआ तब डर के मारे वो सरल बन गए थोड़ा देर के लिए, जब डर लगा तब, तब तक कंस सरल नहीं था। कंस सरल तब बन गया जब उसको डर लगा बड़ा दुर्गा को देख के, कि अब मेरा मौत आ गया, रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। तो हमको भी याद करना होगा कि हमको अगर भक्ति करना है तो हमको रावण और कंस के जैसे नहीं कर सकते, हमको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इनके जैसा बनना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए हमको वैष्णवों के जैसे बनना पड़ेगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसे बनना पड़ेगा, इन लोगों को हमको आगे करना पड़ेगा, भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे बनना, इन लोगों के जैसे सरल बनना सीखना पड़ेगा। कम से कम दुनिया में नहीं बन पाएंगे तो कम से कम पति पत्नी घर के बीच में तो जरूर बनना चाहिए। कोई आपके घर के बीच में आप लोगों को सरल, अंदर कुछ ऐसा छिपा के मत रखे, जो भी है उसको बोलिए, तो बोलेंगे जो भी है सब बोलेंगे तो घर में झगड़ा हो जाए, है ना? मुझे जो भी लगता है मेरे पत्नी के बारे में मैं बोल दूंगा तो घर में तो झगड़ा हो जाएगा। और जो जो भी बोल देंगे इस तरह से तब तो फिर बवाल मच जाएगा। हाँ ऐसा तो जरूर है, आप सब हृदय का बात सब खोल दीजिएगा, झगड़ा तो जरूर होगा, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो बोलने के कुछ तरीके हैं, अच्छे से बोलने का एक तरीका है भागवतम में, कुछ बहुत जगह आप देखिएगा, बहुत प्राय सब जगह ऐसे बोला जाता है, बहुत मीठा बोलने का तरीका आप सीखिए। कैसे सीखिए? आपको मैं उदाहरण देता हूं, जब ध्रुव महाराज, ध्रुव बच्चा था 5 साल का,
जब ध्रुव को तपस्या करने गया 6 महीना में उसको नारद मुनि मिले, नारद मुनि से मंत्र मिला, 6 महीने में उसको भगवान का दर्शन हुआ। और दर्शन होके जब वो आया तो उसको राजा बनाया गया और 36,000 साल तक वो राजा रहे। इस बीच क्या हुआ, उनका जो भाई था उत्तम, ध्रुव का भाई, जो सौतेला भाई था उसका, था ना सौतेला भाई जो उत्तानपाद के गोद में बैठ रहा था, ऐसा था ना एक कहानी। तो हाँ बोल वो उत्तम जो है वो जंगल गया और जंगल में उसको वो चाइनीज लोगों ने मार दिया। चाइनीज नहीं, उसमें ये जो यक्ष, उसमें लिखा है यक्ष लोगों ने मार दिया। यक्ष जो होते हैं वो हिमालय के उस पार होते हैं, हिमालय के उस पार तो चाइनीज भी होते हैं, इसलिए मैं चाइनीज बोलता हूँ। यक्ष लोग थे, उसने उनको मार दिया हिमालय के पार में। तो मार दिया तो ये ध्रुव गए और इतना तीर चलाया, उनका पूरा यक्षों का पूरा नगरी उड़ा दिया, सबको खत्म कर दिया। और इतना यक्ष को मारना चालू किया, इतने मरे इतने मरे। तो जब बहुत मरने लगे यक्ष लोग तो फिर सब लोग आकाश से हाय हाय करने लगे। तो फिर उस समय मनु महाराज पैदा आ गए आकाश से। मनु महाराज आके कहते हैं, अलम वत्साति रोषे न तमो द्वारे न पाप मना। कहते हैं वत्स, अलम, अलम मतलब संस्कृत है कि हे बेटा, अलम मतलब कहते हैं बहुत हो गया, बस करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बस करो, नहीं बहुत हुआ बस। तो जो बस बोलते हैं ना वो संस्कृत में अलम, अलम। किसी को संस्कृत में बोलना है ना, रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया, रुको, तो केवल बोलने का अलम। तो अलम वत्स, बेटा, वत्स मतलब बेटा, बेटा रुको, अलम वत्स, रुको बेटा। अति रोष है ना, अति रोष, रोष बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत गुस्सा हो गया। तमो द्वारे ना, इसे कहाँ चले जाओगे? तमो द्वार मतलब तमोगुण का द्वार, मतलब नरक ही जाओगे, तमोगुण का द्वार मतलब। पाप मना, ये पाप का रास्ता है, और ये हमारे खानदान में नहीं बेटा। मनु का बेटा उत्तानपाद और उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, मतलब ध्रुव के दादा कौन हुए? मनु महाराज, सीधा दादा गए मनु जी। और मनु दादा के बोल रहे हैं कि बेटा बहुत हो गया, रुको। ऐसा ऐसा भी तो बोल सकते थे, ए नालायक, मेरा खानदान का नाम खराब कर रहा है, पता है हम कौन है? हम मनु है मनु, मेरे इजाजत के बगैर चींटी भी पर नहीं मार सकती, मेरे इजाजत के बगैर घास का तिनका भी हिलता नहीं। ये जितना दिख रहा है ना 72 दिवयुग तक, ये अपना है अपना, समझा क्या? ये आप उनका टाइम है, इधर क्या, सब देवता लोग जितने दिखते हैं ना सब अपने नीचे रहते हैं। मेरे नाम से चलता है अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, मेरा नाम है। और इसके बाद जो चेंज होगा ना वो भी समझ ले, सब अपने खानदान के लोग हैं। तू कौन है रे? 5 साल का पिद्दा, बंद करता है क्या कि निकाल लूं तेरी सारी ताकत कि जला दूं इधर से एक तीर लगा के? मनु बोल सकते, मनु ऐसा भी बोल सकते थे कि मनु ऐसा बोल सकते थे ना, मनु के पास शक्ति थी ना बोलने, लेकिन मनु कैसे बोलते हैं? अलम वत्स अति रोषे ना तमो द्वारे ना पाप मना। बेटा ज्यादा गुस्सा करोगे तो नरक का रास्ता खुल जाएगा, है ना। एक बार हमारे मेडिकल कॉलेज में मेरे सीनियर लोग थे जिन्होंने मुझे भक्त बनाया था, तो मैं ये सीनियर लोग से पूछ रहा था कि आप लोग भक्त कैसे बन गए? वो 10-12 भक्त थे उस बैच में। तो बोले, अरे अरे कहानी है, हमारे कॉलेज में सर्जरी की जो सबसे हेड मैडम थी, सर्जरी पढ़ाती थी, वो डिवोटी बन गई, सरस्वती माता जी, इनिशिएटेड भक्त थी उस जमाने में, मतलब 91 में वो इनिशिएटेड भक्त, 88 में वो इनिशिएटेड भक्त, 88-89 वो इनिशिएटेड भक्त, वो माता जी। और मैं गया था कॉलेज में 97 में, सर्जरी
97 में, तो मैं जब गया था तो अपने सीनियर लोग का कहानी पूछ रहा था, 88 बैच वाले लोग सब बता रहे थे। उस समय वो लोग सब पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, मतलब MBBS हो गया था उन लोग का, उन लोग का MD MD हो रहा था उन लोग का। 10 साल लगता है ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, MBBS में 6 साल, MD में 3 साल, इंटर्नशिप में और 1 साल लग जाता, 10 साल तो लग ही जाता। तो मैं 97 में था, मैं पूछ रहा था, तो वो लोग बोले कि पता है क्या है, तो नहीं, तो बोले कि हम लोग ना सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लड़का लड़की लोग, और हम लोग बैठ के एक जगह सिगरेट फूकते थे, लड़के लड़कियां सब साथ में बैठे। तो उधर से वो माता जी एक दिन पास हुई, उन्होंने देखा इन लोगों को, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर अगले दिन उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया, तो चैम्बर में बुलाया तो लोग गए, दसों के दसों पहुंचे महात्मा लोग। तो भगवान कहते हैं महात्मा को पहले भी महात्मा ही बोलना चाहिए, पाप भी कर रहा था तो उस समय भी महात्मा ही था, इसलिए महात्मा ही बोले। तो महात्मा लोग पहुंच गए, ये आदि लीला के पहले वाला लीला। आदि लीला में महाप्रभु भी जो है ना वो थोड़ा ज्ञानी का रोल करते हैं, वैसे आदि लीला वाला काम है। तो ये लोग गए, तो माता जी बोलती है तुम लोग सिगरेट पिएगा तो कृष्णा तुम लोग को एग्जाम में फेल कर देगा। बोला हाँ, तो ये लोग जो है बोला मैडम मैडम हम लोग कभी नहीं पिएंगे मैडम। बोला हाँ बेटा कृष्णा को याद रखना बेटा। ये लोग बाहर आए, बाहर आके बोले, आपस में लोगों का मीटिंग हुआ, बोले कृष्णा क्या फेल करेगा, कृष्णा कोई नहीं है, यही है कृष्णा, यही फेल करती है, इसके एग्जाम में कोई पास होता नहीं, बहुत टफ एग्जाम लेती थी माता, और किसी को नहीं आया ना उसको तो रुला देती थी, कभी कभी टॉपर लोग को भी फेल कर, जो टॉपर होते थे ना कॉलेज में, जब इसका मूड हो जाता था ना कि फेल करना ही है तो किसी को भी फेल कर देते, क्योंकि उसको उतना आता था सब्जेक्ट, और ऐसे नहीं तो माँ जैसे ही थी सबको पास कर, लेकिन किसी ने उनसे पंगा ले लिया उसका फेल होना निश्चित, निश्चित मतलब निश्चित, वो कितना भी पढ़ के आएगा वो ऐसा सवाल ही करेगी कि आएगा, उसको इतना पता था। तो और एक्सपीरियंस का भी बात है, इतने सालों का एक्सपीरियंस, तो ये लोगों को डर लग गया, फिर से लोग गए ऑफिस, उनके ऑफिस में माता जी के, बोले कि वो हम लोग को इस्कॉन जाना है और हम लोग को वो माला चाहिए जो इस्कॉन में आप लोग को जप करते हैं। तो माता जी ने सबको बोला ठीक है मैं माला दे, माता जी ने सबको माला दिया, दसों को माला दी, सबसे माला करवाया, कि एक माला बैठ के करवाया सबसे। उसके बाद ये लोग बोले माता हम लोग को भी एक प्रोग्राम करना है, हम लोग को भी साधु लोग का लेक्चर सुनना है। तो माता जी बोले ठीक है, वो लोगों ने महाराज लोगों का एक प्रोग्राम अरेंज किया, ये लड़के लोगों ने 10 लड़के लगते, और राधानाथ महाराज तभी इतने फेमस नहीं थे अभी जितने, तो उस समय ये 88 89 का बात हो रहा है ना, उस समय महाराज इतने फेमस थे, बहुत कम लोग जानते थे, ये छोटे से, ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी। तो उन्होंने बुलाया विजय मेडिकल कॉलेज में, राधानाथ महाराज आए, प्रोग्राम दिया, ये दसों ने अरेंज किया। उसके बाद श्यामानंद प्रभु का प्रोग्राम अरेंज, श्यामानंद प्रभु एक चौपाटी में उनका प्रोग्राम हुआ, चंद्रमौली महाराज का प्रोग्राम अरेंज किया, ये धनाधन है हर महीने महीने प्रोग्राम करते करते ये लोग दसों के दसों डिवोटी बन गए पास होने के चक्कर में, सब 16 माला करने लगे, और ये महात्माओं के लिस्ट में गौरांग सुंदर प्रभु आई स्पेशलिस्ट हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, और उनकी वाइफ, उनकी वाइफ और माता जी, वो पहले से, वो आदि लीला से लेके अभी मध्य लीला उनका चल रहा है ये लोग बहुत सीनियर, उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर हैं, आंख के स्पेशलिस्ट हैं दोनों। उसके बाद एक वनमाली प्रभु हैं, वो थे जो बहुत सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, दिल्ली में हैं। उसके बाद अपने रोहिणी प्रिया प्रभु है जो चौपाटी मंदिर में राधानाथ महाराज के सबसे सीनियर ब्रह्मचारियों में से, टॉप के 6 ब्रह्मचारी हैं जो वहाँ पे, उसमें से एक रोहिणी प्रिया प्रभु है, वो उसमें से, उस बैच से हैं। और एक योगेश चंद्रा प्रभु हैं जो क्षत्रियों की सेना बना रहे हैं वहाँ पे, और होम्योपैथी है, एलोपैथी के डॉक्टर लेकिन अब होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, ये योगेश चंद्रा प्रभु, वो भी वहीं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में वो भी हैं, वो भी उसी बैच से हैं। ऐसे एक 10 एक डॉक्टर उस बैच से थे जो सब ये सरस्वती माता जी की कृपा से, सरस्वती प्रसाद है ना सरस्वती के प्रसाद से ये लोग
भक्त बन गए। और उसके बाद मैं जब आया, मेरा कोई ऐसा हिस्ट्री तो था नहीं, मैं कभी ऐसा सिगरेट को कभी हाथ लगाया नहीं जिंदगी में, मैं तो ऐसे ही डिवोटी बन गया। और उसके बाद एक और मेरे सीनियर थे, उनको मैंने पूछा कि आप कैसे भक्त बन गए, तो वो प्रभु जी बोले कि उनको, ये सीनियर लोग थे ना, ये सीनियर लोगों में से एक थे श्याम वल्लभ प्रभु, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अष्टांग हृदय ग्रंथ जो है संस्कृत का, आयुर्वेद का, वो MBBS करने के बाद उन्होंने संस्कृत सीखा, संस्कृत सीख के उन्होंने अष्टांग हृदयम करके ग्रंथ है, उसका 8 भाग है, उसके 8 भाग में से एक भाग का उन्होंने संस्कृत संस्कृत का इंग्लिश अनुवाद किया, और वो रहते तो सारा का सारा भी अनुवाद करते, मेरा पूरा विश्वास है कि वो आएंगे फिर से और अनुवाद कंप्लीट करके ही गोलोक जाएंगे। तो ऐसा था, तो ये श्याम वल्लभ प्रभु जो थे उन्होंने इसको प्रीच किया था, उनका एक जूनियर था लेकिन मेरे से 4 साल सीनियर था, उसका नाम था असीम दीवान, लड़का है। तो ये लड़का जो है, ये क्या किया, ये इसने बहुत दिमाग का तेज लड़का था, तो उसको पता था कि ये सब 4-5 दवाई मिला देंगे और मिला दे के पियेंगे तो क्या होगा, एक नशा चढ़ता है बहुत जोर का, ड्रग्स के जैसे, वो नशा के जैसा वो लेता था, तो जब वो लेता था नशा तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो उसने क्या किया, एक बार बहुत ज्यादा ले लिया, सरकारी दवाई रहती थी हॉस्पिटल में हम लोग की, वो फ्री में मिलती थी, और इसी को मालूम था कि कौन सा दवा किस किस को दवा को किस में मिला देने से क्या बनता है, नशा बन जाता है, और किसी को मालूम नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग होने का ही दिक्कत भी है, ऐसा फ्री में दिमाग लगा के बैठा था, और वो सब मिला मिला के पीता था गप सिरप ये सब, और उसको नशा चढ़ता था। एक दिन बहुत पी लिया, बहुत पी लिया, तो ये जीभ होती ना, जीभ तो हमारी आगे होती है लेकिन जीभ पीछे अगर गिर जाती है कभी कभी, जब मरने का टाइम होता है ना जीभ पीछे गिर, तो पीछे जीभ उसके पीछे गिर गई, और जीभ जो पीछे गिर गई तो उसको समझ में आया तो मरने का टाइम आ गया, और जिंदगी भर के जितने चीज थे सब याद आने लगे, दन 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 दन, सब याद आने लगे, जिंदगी भर की चीजें, तो सब याद आने लगा, तो उसको समझ में आया अब तो मैं मर जाऊंगा, तो उसको तो समझ में आया मरने के पहले ऐसा ही थॉट आता है, जल्दी 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 सब विचार आता है, तो अब क्या करे क्या करे, सब उसका सब याद आते 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 आते, आते ये श्याम वल्लभ दिखा उसको, और श्याम वल्लभ माला लेके उसको दे रहे थे, जब वो वाला सीन आ गया और बोले बेटा जब दिक्कत में हो गए तो ये माला जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और पता नहीं वही फोटो आके खड़ा हो गया और ये जपने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और जपते जपते जीव, जपने से क्या हुआ, जीव तो बाहर आ ही जाएगा ना, तभी तो जपोगे, जीव अपने आप बाहर आ गया, बच गया पूरी रात, अच्छा 10 मिनट के बाद उसने फिर जब छोड़ दिया, फिर से जीव पीछे जाके गिर गया, फिर से जपना चालू किया, 10 मिनट जपते जपते फिर जीव आ गया, फिर छोड़ दिया जब, तो धीरे धीरे जीभ फिर से पीछे होके गिर गई, फिर जपना चालू किया जीभ आगे आ गई, फिर जब छोड़ दिया जीभ पीछे गिर गई, पूरी रात जपते रहा जपते रहा जपते रहा, कितने माला हो गए रात भर में, वो बन गया डिवोट। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी मीठा बोलना जो है ना बहुत काम कर रहा है, अगर आप सीधा सीधा बोलोगे ना मैं तुम लोग को फेल कर दूंगी, आ जाओ मैं देख लेती हूँ एग्जाम में, तभी लोग डिवोटी नहीं बनते, ऐसा सीधा सीधा बोलने से लोग डिवोटी, इतना मीठा बोला माता जी ने, देखो ऐसे सिगरेट पियोगे तो तुम लोग को भगवान कृष्णा फेल कर देगा। इतना मीठा मधुर बोला उन्होंने, उस मधुरता के कारण ही लोग पागल ही हो गए। तो मधुर बोलने का सीखने के लिए मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा, रघुगण राजा जा रहे थे कपिल आश्रम, कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे, और रास्ते में जड़ भरत जी महाराज खेतों की रखवाली कर रहे थे, और जड़ भरत को किसी ने ले जाके काली के सामने बलि देने के लिए ले गए, और उधर काली अपने प्रतिमा को फोड़ के निकली, और जितने लोग जड़ भरत का बलि देने आए थे वो सबका बलि दे, खुद ही बलि ले लिया अपना, बलि देने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना बलि खुद ले ली और जड़ भरत को मुक्त कर दी। अब ये मुक्त महाराज जड़ भरत घूमने लगे,
घूमते घूमते जब रघुगण के राजा जो जहां पालकी जा रही थी वो रास्ते में आ गए। अब उनकी पालकी में एक आदमी कम गिर रहा था, इसको भी लगा दिया उसी पालकी। अब ये परमहंस वैष्णव है, ये तो सब जानते नहीं कि परमहंस वैष्णव है, ये उनको पता नहीं, लेकिन लगा दिया। अब लगा दिया तो ये तो रास्ते में चींटी सबको कभी भी पैर से खूंटता नहीं, उसके ऊपर से उसके इधर से बाएं दाएं करके पार होता। तो ऐसा एक आदमी बाएं दाएं चलेगा तो उसका जो बैलेंस है हिल जाता था, और जो पालकी है वो इधर उधर हो जाता था। तो रघुगण बोला, अरे कौन हिला रहा है? तो बाकी जो लोग थे बोले, नहीं नहीं गुरु हुजूर, ये जो नया आदमी आया है यही हिला दे रहा है, हम लोग तो ठीक जा रहे हैं, यही दाएं बाएं खुद चलता है, बदमाश है एकदम। तो रघुगण बोला, ए ठीक से चल, फिर चलते रहे, फिर से वही हो रहा है, जहां चींटी आया कुछ आया नीचे की, किसी को पैर लगाता नहीं, फिर बाएं दाएं हो जाता। तो कह रहा, कौन हिला रहा है? अरे हुजूर, ये नया आदमी हिला रहा है, हम लोग नहीं हिला रहे। रघुन बोला, डर नहीं है क्या? एक चांस अभी और हो गया तो सर धड़ कलम अलग कर दू, सर धड़ से अलग अलग। तो ये जो रहु जो जड़ भरत था पीछे देख, जिंदगी में पहली बार उसने अपना मुंह खोला, अभी तक जिंदगी में कभी बोला नहीं, अब पहले बोले। पीछे देख के बोला, महाराज मैं तो परमहंस हूं, मुझे पीट के आप और क्या सुधारो? दंड उसी को देना चाहिए कि दंड देने से वो आदमी सुधरे, अब मैं इससे ज्यादा क्या सुधरूंगा? परमहंस से ज्यादा कोई सुधर सकता है? परमहंस से ज्यादा कुछ सुधरने का कोई स्कोप है? और क्या सुधारेंगे आप? कोई व्यक्ति के जिंदगी का सबसे ऊंचा स्तर परमहंस है, परमहंस वैष्णव जो बन गया ये सबसे ऊपर चला गया, उसके ऊपर कोई जगह नहीं बचा सुधारने कोई। और अगर आपको लगता है कि मैं पागल हूं और इस तरह से अपने आप को झूठ सच परमहंस बोल रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है कि मैं पागल हूं और आपको ये झूठ बोल रहा हूं, या पागल के लिए पागल हूं और अपने आप को परमहंस परमहंस कहते हुए बोल, ये हो सकता है, मेरा स्थिति देख के आपको लग सकता है। तो पागल को पीट के क्या मिलेगा? पागल को पीटने से सुधरेगा? अगर वो पागल ही है, उसका आप सर भी अलग कर दीजिएगा तो क्या सुधरेगा? कितना भी मारिएगा क्या सुधरेगा? बेचारे का मानसिक स्थिति ही खराब है कि वो पागल है। तो आप पागल हैं तो भी मारने का फायदा नहीं। और अगर मैं कह रहा हूं वो सच है कि मैं परमहंस हूं, तो भी मारने का फायदा नहीं, तो मारिएगा किस लिए? इतना ही बोला हो। उसके बाद वो सीधा लिया कंधे को, कंधे पे लिया और जैसे चल रहा था चलते रहा। रघुगण सोचने लगा, दो चार सेकंड टाइम लगा सोचने, इतना हेवी फाइल चला गया तो हैंग हो गया उसका सिस्टम, उसका 8 GB रैम हैंग हो गया, तो 16 GB रैम वाला मशीन चाहिए था। और उसको जब समझ में आया कि क्या बोला, परमहंस, अपने आप को परमहंस बोल रहा, बोला परमहंस को पीटने से सुधरेगा नहीं, बोला ये बात तो सही है, परमहंस को कितना भी पीटो परमहंस से आगे तो कुछ जाके जगह नहीं बचता। फिर सोचा, अरे मैं जो वहां जा रहा हूँ गुरु के पास प्रवचन सुनने, वो परमहंस से मैं सुनने जा रहा हूँ, मैं तो अभी परमहंस खुद ही नहीं बना हूं, तो दूसरे को परमहंस दूसरा कोई परमहंस है उसको मैं पीटूंगा और क्या करूंगा पीट के? फिर सोचा, और अगर ये पागल है तो पीट को कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई पागल है, रघुगण सोचा, लेकिन अगर कोई पागल है तो खुद ही दोनों चीज कैसे बोलेगा कि मैं परमहंस हूं
इसलिए पीठ को फायदा नहीं, और अगर मैं पागल हूं तो भी पीठ के फायदा नहीं। ऐसा कोई पागल कैसे बोलेगा, अरे मूर्ख समझ क्या हुआ है, ये कोई पागल नहीं है। पागल खुद से कैसे बोलेगा कि मैं पागल हूं तो पीठ को कोई फायदा नहीं है, पागल सुधरता नहीं है। कभी पागल ऐसा बोलता है, पागल ऐसा बोल पाएगा ये दोनों लाइन? पागल तो एक ही बार एक ही चीज को, मैं परमहंस मैं परमहंस मैं परमहंस पागल एक ही चीज को बोलता रहे, या बोलेगा मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ उसको कोई लाइन में सेंस नहीं होता। पागल ऐसे नहीं बोलेगा, मैं परमहंस हूँ। लेकिन मारिएगा तो परमहंस से ऊपर क्या जाएगा? तर्क शास्त्र पागल नहीं कर सकता, और तर्क शास्त्र पढ़ना इसलिए जरूरी है, गुरुकुलों में इसलिए पढ़ाते हैं बचपन से, कि ऐसे चीजों को पहचान सके आदमी तुरंत, कि पागल कौन है, होशियार कौन है, क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, देख के बात करके बता देगा तर्क शास्त्र ऐसा। एक दो लाइन बात करते करते पकड़ लोगे कि सामने वाला क्षत्रिय है कि क्या है। एक बार एक सज्जन आए मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, मैं उनको देख के बोला आप बिहार के राजपूत हैं? बोला ऐसे बोला। अब उसको मैंने ये नहीं बताया कि ये तर्क शास्त्र है, सीधा सा तर्क शास्त्र था वो। ठीक है, तर्क शास्त्र पढ़िएगा, आपका जो राजा लोग को पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है गुरुकुल में, ब्राह्मणों को क्षत्रियो को सबको पढ़ाया जाता है तर्क शास्त्र। तो तर्क शास्त्र लगा के समझा कि अरे ये तो कोई परमहंस है, ये तो कोई परमहंस है, पागल नहीं है। और ये परमहंस को मैंने लगा रखा है, अरे मेरे गुरु जी परमहंस है जिनसे मैं सुनने जा रहा हूँ, जिनका प्रवचन मैं सुनने जा रहा हूँ, परमहंस का लेक्चर सुनने जा रहा हूँ, और जिनको मैंने काम पे लगा रखा है वही परमहंस है। अरे घोर अन्याय, घोर अपराध। और तुरंत उसने कहा रुकिए, रुकवाया और कूद गया, अपने पालकी से कूद गया रघुगण, और कूद के सीधा जाके उसने दंडवत मारा, पूरा फुल दंडवत। सब लोग हक्के बक्के, जितने लोग थे जो पालकी ढो रहे थे बोले कि अरे बाप रे किसको दंडवत किया, सब लोग साइड हो गए, लेकिन एक आदमी साइड नहीं हुआ, वो जड़ भरत वहीं खड़ा था जहां खड़ा था, और उसी को दंडवत किया था। और बोलता है नमो शिशुभ्यो अवधूत लिंगो, अगर ऐसे जो आप लोग राजा के रूप में, जो आप लोग जो राजाओं के साथ जो जो जितने राजाओं ने जितना भी अपराध किया है ऐसे अवधूतों के साथ, जो अवधूत के रूप में घूम रहे हैं, कोई बच्चे के रूप में घूम रहे हैं, कहीं सनत कुमार जैसे हैं कि चार बच्चे के रूप में घूम रहे हैं, आप तो पागल के जैसे घूम रहे हैं, किस किस रूप में महात्मा लोग घूम रहे हैं, परमहंस लोग घूम रहे हैं, हम राजा लोगों के तरफ से सबकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, कितने राजाओं ने कितना गलती किया होगा, रे बाप सबके तरफ से हमको माफ कर दी। और कहता है नाहं भृशंके सुरराज बज्रान यमस्य दंडम त्रयक्षशूलान। अरे मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, क्षत्रिय का खून मेरे अंदर है, और मैं यमराज से, शिव जी के त्रिशूल से और इंद्र के वज्र से भी डरता नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं 2021 का आदमी हूं कि हमको पता ही नहीं कि इंद्र है कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन इंद्र, ऐसा मूर्ख राजा नहीं था। वो जानता था इंद्र कौन है, और इंद्र के वज्र की शक्ति भी जानता था, और शिव जी कौन है ये भी जानता था, और शिव जी के त्रिशूल का शक्ति भी जानता था। अगर शिव जी भी आके कहे कि अन्याय करो और त्रिशूल दिखा दें इसके छाती पे, तो बोलेगा काट डालो, लेकिन हम अन्याय नहीं, हम क्षत्रिय का बच्चा है, मर जाएंगे लेकिन जुल्म नहीं करने देंगे, ये है क्षत्रिय। मेरे को शिव के त्रिशूल से भी डर नहीं है, अन्याय शिव जी भी करेंगे तो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा लड़ने के, इंद्र के वज्र से डर नहीं, यमराज के दंड से डर, वित्तपा कुबेर के अस्त्र से डर नहीं है, अर्क से सूर्य से डर नहीं है, अग्नि से डर नहीं है, लेकिन संके भृशम ब्रह्म कुले अवमानात, लेकिन डरता बहुत हूं ये ब्रह्म कुल, ये ब्राह्मणों का जो कुल है, मतलब वैष्णव और परमहंस जो ब्राह्मण से ऊपर है, इन लोगों का अपमान करने से बहुत डरता हूं, ये एक ही डर है जो मेरे अंदर मेरे खून में घूमता है, और ये ब्रह्म कुल अवमान, ब्रह्मान ब्राह्मणों का अपमान, इससे बड़ा डरता हूं, माफ कर दीजिए और मेरे को उपदेश दीजिए। बोला माफी ऐसे नहीं, माफी कब मिलेगा महात्मा से, महात्मा ने अगर आपको उपदेश कर दिया भगवान की तरफ जाने का, उसका मतलब महात्मा ने आपको माफ कर दिया,
और रघुगुन बैठ के पूरा 13वां अध्याय, 5वें स्कंध का 13वां अध्याय और 14वां अध्याय सुन के लिए आप बैठ के पढ़िएगा फॉरेस्ट ऑफ मेटेरियल एंजॉयमेंट, भवाटवी, इस दुनिया का जंगल, दुनिया एक जंगल के जैसा है उस जंगल का वर्णन है, और वो जंगल का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं वो, हम यहाँ पे वो आप पढ़ लीजिएगा 5वां स्कंध का 13वां अध्याय 14वां अध्याय। हमारे पॉइंट इतना ही है कि जड़ भरत रघुगुन को ऐसा भी कह सकते थे, अरे नालायक तुमको पता है, तुम्हें को पता है हम कौन थे पिछला जन्म में, हम भरत थे, भरत राजा, भरत आ तेरे जैसे राजा, चिंटू पिंटू राजा है रघुगुन, कितना बड़ा एरिया रे तेरा, पंजाब और सौवीर है, 100 किलोमीटर के एरिया का राजा बन के चो फुरफुरा रहा है। पता है मैम कितने बड़े राजा हैं, अरे भारत खंड, भारत वर्ष, इलावृत वर्ष, रम्यक वर्ष, हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष, पूरा का पूरा जम्बू द्वीप के अखंड राजा हैं, और तेरे जैसे राजा पालकी में घूमने वाले, हमारे यहाँ लाइन लगाते होंगे उनको लाइन के एंट्री नहीं मिलता हो, राजा नहीं हम सम्राट थे, सम्राट, सम्राट भरत से बात कर रहा है बे नालायक, उतर। क्या गर्मी है तेरा, परमहंस से परमहंस एक श्राप दे देंगे ना पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बोल सकते, शक्ति तो था ही और बात सच भी था, पिछले जन्म में भरत ही थे वो, सोचो कहाँ सम्राट थे जम्मू द्वीप और उसको लगा दिया। तो कह रहे हैं कि बेटा ये जो तू सोच रहा है तू राजा है और मैं ढोने वाला हूँ, पिछले जन्म में हो सकता है मैं राजा होऊंगा, वो हो सकता है बोल रहे, लेकिन उनको मालूम था कि मैं भरत था, उनको मालूम था कि मैं भरत था पिछले जन्म, हो सकता है कि तू मैं राजा होऊंगा तू पालकी ढोने वाला होगा, और आज मैं पालकी ढो रहा तू राजा बन गया है, ये तो समय समय का फेर है। तो जड़ भरत चाहते तो बहुत स्टाइल से उसको गाली देके भी बात कर सकते, क्या रे चार आदमी तेरे को लगा लिया पालकी में तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, क्या तू समझ रहा है, तू जो परमहंस का सुनने जा रहा है ना वैसा परमहंस तो मैं खुद ही था, मैं तो भाव स्तर पे था समझा क्या, और अभी मैं प्रेम के स्तर पे हूं, तू जो घिसेगा ना 5 जन्म जितना पहुंचेगा मैं पहुंच चुका हूं, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, ऐसा बोला क्या जड़ भरत, नहीं बोला, बहुत मीठा बोला, देखिए आप बहुत मीठा बोला, आप इस बात को जरा फिर से सोचिएगा, मैंने जो अभी बोला ना आप सोचिएगा कि जड़ भरत ने रघुगुण को कैसे सुधारा, कितना मधुर बोला कि मैं परमहंस हूं, पहले उसने बोल दिया जो सच है, बोला मैं हूं परमहंस, बोला भी उसने, लेकिन ये नहीं बोला इसलिए मैं तुमको श्राप दे दूं, बोला मैं परमहंस हूं लेकिन हो सकता है कि तुमको लगता है कि मैं गलती ही कर रहा हूं, तो परमहंस और क्या सुधरेगा ये बताओ, इससे ज्यादा उसको क्या सुधारोगे, और अगर तुमको लगता है कि मैं बड़बड़ करने वाला पागल हूं तो यार फिर भी तुम मार के क्या फायदा है, पागल को मारे हुए तो क्या क्या सुधरेगा, पागल तो पागल ही रहने हो, और ये सुनने के बाद उसने छोड़ दिया और वैसे ही पालकी ढोने लगे। वैसे ही पति पत्नी को क्या करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए मीठे तौर से और छोड़ देना चाहिए सामने वाले को, सामने वाला बदले या नहीं बदले अब उसके ऊपर, और जब छोड़ देते हैं तो अधिकतर क्या होता है, अधिकतर समय आदमी के दिल में परिवर्तन तो आता है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, इंसान को दिल है और दिल तो बदलता है, और रघुगुन का वही हुआ, रघुगुन का दिल बदल गया, रघुगुन कूद के नीचे आ गया, नीचे आके उसने तो जो माफी मांगा, और जब माफी मांगा तो रघुगुन बोला कि आप हमको उपदेश करिए, और गुरु जानते हैं जब गुरु बन के कोई उपदेश करता है तो पहला चीज डांटता है, आप गीता में देख ली कृष्ण क्या करते हैं, पहले अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन ये रसगुल्ला में लेके आया बंगाल से, ये लो पहले रसगुल्ला खाओ, तुम शिष्य बन गए हो, बहुत अच्छा लगा अर्जुन, एक शिष्य तो मिला, देखो मैं खुद भगवान होके मेरा एक शिष्य नहीं है, अब गुरु लोग तो देखो मठ में इतने सारे शिष्य बना के बैठे,
मैं शिष्य घबराने के लिए घूम रहा था, कोई मिला नहीं, अर्जुन तुम पहले हो जिसने सरेंडर किया है, आ ये लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। क्या बोले भगवान ऐसा बोले? गंगू राम का रसगुल्ला खाओ, ये लो। नहीं, क्या बोले भगवान? अनार्यम क्लैबियम, अरे हिजड़े छक्के, अनार्य नालायक पतित नीच, ऐसा बोल रहे हैं। गुरु बनने के बाद डांटना पहला काम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पति पत्नी के रोल में पहले गुरु बन जाते। तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसे कर। पत्नी जो है पति को दिन भर उपदेश देते रहते, तुमको ये चीज ऐसे करना चाहिए था, तुमको वो चीज वैसे करना। सब कृष्ण बन जाते हैं तुरंत, गुरु बन जाते हैं तुरंत, लेकिन गुरु बनने के पहले जो मिठास है वो मिठास कभी नहीं रहती। पहले लोग गुरु बनने वाला काम, गुरु मत बनिए, गुरु बनिएगा तो वो भी गुरु बन जाएगा, वो थोड़ी ना अर्जुन है ना। मैं अपने घर गया तो मेरे पिताजी घर में दो मोटरसाइकिल है, एक पुराना राजदूत और एक नया स्प्लेंडर। राजदूत चलता नहीं है, बाद में तो मैं आश्रम में ले आया, यहाँ भी कोई चलाता नहीं था, खड़े रखे रखे खराब हो गए, फिर मैंने किसी एक व्यक्ति को दे दिया दान में, वो लेके गया, उसको बनवाया, उसका एवरेज कम है तो फिर वो भी नहीं चला। तो मेरे पिताजी जो है वो राजदूत चला रहे थे, तो मेरी माँ बोलती है राजदूत क्यों चलाए, हल्का गाड़ी चलाइए, हल्का गाड़ी, डांट रही थी उनको, बहुत देर डांट रही थी, हल्का गाड़ी चलाना। उसका पीछे बागान है हमारे घर में, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, काफी बड़ा घर है, मतलब एक आधे एकड़ में पूरा घर है, घर बना हुआ गार्डन के साथ, करीब 25,000 स्क्वायर फीट, इतना बड़ा घर है। वो हवेली है, हवेली, और उसमें आम का बगीचा है, नीम है, करंज है, कटहल है, बहुत कुछ है, पूरा साल भर आप खा के खत्म नहीं, पूरा 20 आदमी खाते खाते खत्म नहीं हुआ, इतना आम है, इतना कटहल है, हर फल उसमें ऐसे लगाओ, बहुत बहुत ही ऑपुलेंट घर है। तो पिताजी गाछ पे चढ़ जाते, तो चढ़ गए गाछ पे, और वो सीढ़ी जो ऐसे होती ना, ऐसे सीढ़ी जो होती है बांस की बनी हुई, लिसिन बोलते हैं उसको, वो ऐसा होता है कि नीचे बड़ा होता है ऊपर पतला होता है ऐसा, तो उन्होंने क्या किया, उल्टा लगा दिया, नीचे पतला करके ऊपर बड़ा करके लगा के चढ़ गए, वो स्टाइल। और पिताजी 70 साल के हैं, तो मम्मी ने देख लिया, अब मम्मी लगी सुनाने, सीढ़ी सीधा कहीं नहीं चढ़ते हैं, सीधा रखिएगा कि नहीं, कुछ हो जाएगा तो। अब वो रोज रोज का इनका सिस्टम है। मैं बोला अरे तू कभी जिंदगी में मोटरसाइकिल नहीं चलाई, तू काहे बोलती है कौन सा मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, ये वो भारी वाला कि हल्का वाला, तू कभी एक गाछ चढ़ी नहीं, जो जिंदगी भर गाछ ही चढ़ा है उसको तू काहे बोलती है ये गाछ सीधा, सीढ़ी सीधा रखो कि सीधे उल्टा, तुमको क्या खुजली होता है सब बताने। नहीं, बोलना मेरा काम है ना, मम्मी क्या बोली, बोलना मेरा काम है। तो मैं पापा को बोला, पिताजी आपने इसको पूरा जीवन भर टॉलरेट किया है। तो पिताजी बोले हाँ 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 उनको जैसे एकदम जिंदगी भर का एकदम रियलाइजेशन पता चला, हाँ 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 एकदम मुंह से निकल गया, एकदम अकस्मात निकल गया, हाँ। और मम्मी कहती है पापा को, ये आपको मस्का लगा रहा है, ये आपको मक्खन लगा रहा है, मक्खन कुछ दान वान लेगा, देखिए बड़ा बात। मैं क्या मस्का लगा रहा हूँ, तुम लोग एक दूसरे का जिंदगी जो है उपदेश दे दे के खराब करके रखे हो, खाली उपदेश देते रहते हो एक दूसरे, उपदेश मत दीजिए, आज का लेशन इतना ही सीखिए, उपदेश मत दीजिए, गुरु मत बनिए सामने वाले, अगर प्रेम चाहते हैं गुरु से शिष्य बन जाइए, शिष्यस्ते हम ताम साधि माम तुम प्रफुल्लम, मीठा बोलिए और शिष्य के जैसे रहिए, उपदेश मत लीजिए, उपदेश करिएगा संबंध खराब हो, और उपदेश करने से कोई मानता भी नहीं, आज कोई फॉलो भी नहीं करता, तो करके आपका उपदेश आप जो है ना आप बर्बाद कर रहे हैं। आप जो गोईठा होता है ना, गोईठा गोबर का गोईठा होता है, जिसको जलाते हैं गोबर का गोईठा, दीवार में सुखाते हैं फिर जलाते हैं, उसको बंगला में क्या बोलते हैं, गोईठा बोलते हैं, बंगला क्या बोले, बांग्ला गोबर कंडा, बोलते हाँ? बोलते
नहीं आप मेरे को आवाज नहीं है, ठीक है, जो भी बोलते हैं गोइठे को, जो दीवार में सुखाते हैं फिर उसको जलाने के लिए यूज करते हैं, महाराष्ट्र में गौरी बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं, तो गोइठे में है, अगर आप घी डालिएगा तो मालपुए का टेस्ट आएगा। नहीं आएगा ना, तो इसलिए आप अपना उपदेश को जो है ना, अपना उपदेश रूपी जो घी है उसको सामने वाले के गोइठे में मत डालिए, अपने पास रखिए, वो घी कहीं अच्छे काम में आ जाएगा, यज्ञ में काम आ जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। আচ্ছা, কোনো ভক্ত যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান, নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে পারেন। প্রভুজি, কুছ প্রশ্ন আয়া হ্যায় মোবাইল মে, তো হাম আপকো बिल्कुल, ট্রান্সফার কর দেয়, हाँ बोलिए। আমি পুছনে সকতে হাম আপকো হোয়াটসঅ্যাপ মে। ओके ओके, ठीक है ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप से मैं आंसर, उसमें ऑडियो ऑडियो करके मैं आंसर करता हूँ। ওকে ওকে। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করেছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ দোনো কৃষ্ণ ডিভোটি হ্যায়, ওয়াইফ तब हस्बैंड उसके बात को मिसयूज करते हैं, हस्बैंड अपने वाइफ को दिल में बहुत गलत होते हैं, वाइफ समझ नहीं पाती है कि उनके हस्बैंड उनको गलत समझ रहे हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको शादी करना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था, ठीक है, इसे वाइफ बहुत हर्ट हो जाती है, बाकी सेवा करने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलती, और हस्बैंड अपने इतना ना पसंद करने लगते हैं कि हस्बैंड वाइफ से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, अलग रहने चाहते हैं, जिससे कि वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है तो वाइफ को बहुत दुख होता है। इन दैट सिचुएशन हमें वाइफ को क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल क्या है प्रोजेक्ट? बता रहा वो पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, पति कह रहा है कि तुमसे शादी करना, दोनों भक्त हैं और कह रहे हैं कि तुमसे शादी करना मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, अब आपको यही चीज करना है जो मैंने आपको सिखाया है, आपको क्या करना है उसी को मीठे से बोल, मीठे से बोल के देखिए तो आप क्या बोलिए, तो आपको बोलना चाहिए तो तुमने कर ली ना भूल और हंसना चाहिए, आपको हंसने का प्रैक्टिस करना चाहिए, मोमेंट्स को लाइट करना आना चाहिए, हैवी मोमेंट जो है ना जिंदगी में उसको हल्का मोमेंट करना आना चाहिए, जो भी आपके हैवी मोमेंट्स हैं जीवन उसको आपको लाइट मोमेंट्स में बदलना आना चाहिए, लाइट मोमेंट्स मतलब उसको मजाक करना आना चाहिए, आपको मजाक करना सीखना हो, पत्नी को मजाक करना सीखना हो कि मजाक कैसे करते हैं, हंस नहीं सकते हैं आप, थोड़ा मीठा भी बोल सकते हैं, और अगर उसने भूल किया, बोल दिया कि आपने बहुत बड़ा भूल किया है, तो आपको उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए उस भूल के बदले में, और कहना चाहिए अगर तुमने भूल नहीं किया होता तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती, ऐसा करके उसको एक रोज दे देना चाहिए, ये लो गिफ्ट लो, आई लव यू बोल देना चाहिए, बोल जितना आप मीठा बोल पाइएगा उसका काट वही है, उसका काट, इसका काट मिठास है, करेले का काट जो है करेला नहीं है ना, करेले का काट जो है रसगुल्ला है, ठीक है, और अगर ऐसा बोलता है तो रसगुल्ला रखिए अपने घर और एक रसगुल्ला उसके मुंह में डाल दीजिए, उसको लगना चाहिए कि ये भूल नहीं है, और जहां तक बात है कि आपको आपके मन में लगता होगा कि अरे चलो अच्छा है, भगवान की भक्ति के लिए अच्छा है, हमको वैराग्य मिल रहा है, ये आप मन में समझा सकते हैं, लेकिन आपका मन दुखी है फिर, क्योंकि ऐसा मन में आप समझाइए कितने दिन तक आप झूठ सच बोल के अपने आप को समझाते रहिए, आपको हकीकत तो देख ही रहा है आंख के सामने, अब आपको हकीकत को एक्सेप्ट करके उसको स्वीट करना पड़ेगा, उसको मिठास में परिवर्तित करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रभुपाद जी दो चीज कहते, सबमिशन एंड सर्विस, अब मैं इसको खोल के आपको सिखाऊंगा, कल कल का लेक्चर पूरा इसके ऊपर होगा कि सबमिशन और सर्विस कैसे पत्नी करती है, पत्नी का जो रोल है सबमिशन और सर्विस कैसे किसी पति को आप पलट सकते हैं, सबमिशन एंड सर्विस, और पति के लिए, पति के लिए भी कुछ चीजें होंगी, पति कैसे पत्नी को बदल सकते हैं, ज्यादातर केस में अगर यहाँ जो होता है, जो अक्सर जो केसेस ऐसे आते हैं कि पति और पत्नी के लड़ाई में
जो कमी मैंने देखा है वो पत्नी के साइड से देख। कमी का मतलब है कि उसको जो जितना मधुर उसको होना चाहिए, जितना उसको ममता दिखाना चाहिए, जितना उसको प्यार दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाता, इसलिए लड़ाई होता है। और पति टेस्ट करता है, डांट के टेस्ट करता है, डांटने के बाद ये क्या कर, डांटने के बाद सब दूर, वो बोलता दूर रहो मेरे से। तो आपको क्या करना चाहिए, एक रोज फ्लावर ला के उसको बोलना चाहिए ठीक है मैं दूर से तुमको फ्लावर देती, अब मेरे को दूर से आई लव यू बोलना पड़े। आप उसको मजाक करो, आप थोड़ा थोड़ा जोक्स पढ़ा करो, अकबर बीरबल ये सब जोक्स देखो, एक गोपाल भान है उसके जोक्स पढ़ो, गोपाल भान के जोक्स पढ़ो। एक बार ये राजा बोलता है गोपाल भान कि गोपाल तुम्हारे में और गधे में कितने का फर्क, तुम्हारे गधे में फर्क बताओ, तुम और गधे में अंतर बताओ, तुम्हारे और गधे में क्या अंतर। तो गोपाल भान जो है राजा के साथ चल रहा, सवाल क्या है, अगर मैं बोलूंगा अरे कि तुम्हारे, अगर आपका पति आपको बोल कि तेरे में और गधे में क्या फर्क, तब क्या बोले, हमको गधा बोला, हाँ हम आगे गधा बोल छे, गधा तू, तेरा बाप, तेरा खानदान। गोपाल भान ने क्या बोला, गोपाल भान राजा के साथ चल रहा, उसने ऐसा हाथ निकाला राजा के साथ, एक हाथ का डिस्टेंस था, वो एक हाथ का डिस्टेंस लेके कहता है मेरे और गधे के बीच में एक हाथ का फर्क। तो पत्नी के अंदर अपेक्षा किया जाता है कि ऐसा बीट होगा, ऐसी बुद्धिमान चतुर पत्नी होनी चाहिए। पत्नी में कमी कहाँ है, और आप अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ा के रखिए, चतुरता के साथ रहिए जीवन। मुंह आपका बहुत शार्प होना चाहिए, खट 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 निकलना चाहिए, आपसे कोई बोलने में दिल जीतना चाहिए, है ना। और आपको थोड़ा लाइट करना चाहिए मोमेंट। पत्नी का काम है घर के माहौल को थोड़ा हल्का, घर चलाना पत्नी का काम। पति क्या दुनिया भर का लोड इधर उधर सब टेंशन लेके आया रहता है, तो बेचारा घर में आके वो सब टेंशन डिफ्यूज करने के लिए बोल देता है पत्नी को खराब शराब। अब पत्नी सोचती है कि मेरा पति आएगा, मुझे प्यार से बोलेगा, मेरे प्यार से रखेगा, मेरे को प्यार से कहेगा, मेरे को प्यार से देखेगा, ना वो प्यार से देख रहा है, ना प्यार से कह रहा है, ना प्यार से कुछ कर। अब उसके बाद ये भी उखड़ जाती है, वो भी उखड़ जाती। पत्नी को समझना चाहिए कि घर मैं चला रही, और ये अपना नमूना आएगा तो कुछ उधर का प्रॉब्लम ही लेके आने वाला है। एक बार एक माता जी ने मुझे फोन, उसके दो बच्चे, बोले प्रभु जी इसको, इनको समझाइए ये क्या क्या करते हैं, घर में आके क्या बोलते हैं, अपने पापा को कैसे बात करते हैं, कुछ पता नहीं है, घर में पूरा माथा उठाए रहते। और ससुर जी जो हैं वो मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, इनको नहीं, इनका ससुर जी मतलब इनका और हमारे मतलब मेरे इसके ससुर का, इसको पापा ही बोलती है, पापा का और इनका कोई रिलेशन ही नहीं बचा है, इनके मम्मी का और इनका भी कोई रिलेशन नहीं। ऐसा है कि जो बहू है वो तो बहू ने पापा मम्मी को पूरा एकदम पटा के रखा, एकदम अपना बना के रखा। और ये बेटा ऐसा नालायक है कि हमेशा झगड़ा करता रहता है अपने पापा मम्मी, एकदम यूनिक ही केस। तो मेरे को बोल रही है प्रभु जी आप समझाइए इसको कुछ। मैंने बोला सुनो उस घर में कितने बच्चे हैं, तेरे घर तेरे कितने बच्चे हैं, बोले कि दो हैं। बोले दो नहीं तेरे चार बच्चे, बोले चार, बोले हाँ दो वो और ये दो बच्चा ये भी है, दो और इसको दो पकड़ना, ये चार बच्चे थे। पता है वो बहुत खुश हो गए, बोले तू आज के बाद उसको बच्चे जैसे ट्रीट, एकदम देख सब सही चल। और उसके बाद से एकदम सही चल। जब वो फोन कर, जब मैं जाता हूँ मिलने के लिए कभी, बोलता प्रभु जी अभी सब सही चल, इसको तू समझदार समझने की गलती क्यों कर रही। जब पति घर में आता है ना तो अपना दिमाग एकदम ऑफ करना, वो बच्चे के जैसा रहना, वो चाहता है कि मैं एकदम बच्चे जैसा रहूं, कुछ भी बोल दूं और ये मेरे को जैसे उसमें क्या देखना चाहता है, एक ममता देखना चाहता है, इसमें मेरे को एक्सेप्टेंस है, मैं कुछ भी रहूंगा तो ये मेरे को एक्सेप्ट कर। मैं कपड़े इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, जैसे भी खाना खाया जो ऑर्डर कर दिया फरमाइश,
आप समझिए कि दो बच्चे आपके उधर और ये कंबाइंड दो बच्चे हैं, ये चार बच्चे मेरे को भगवान ने दिए जो मुझे संभालने, तब आप एकदम जिंदगी में परफेक्ट रहे। तो वो जो बच्चा जो डिमांड करता है ना, तो देने ही पड़ता। तो बोलेगा मुझे आज करेला बना तो बना देना, बोलो अभी दिन है तो बोल देना दिन है, बोलेगा वो भी रात है बोलो तो बोलो रात है, बोलो तुम पागल है तो बोले एकदम पागल। सबमिशन, ये पहला चीज। कल हम बताएंगे इसको विस्तार से और भी आप कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझिए कि आपको आपको कठोरता को आपको मधुरता से जीतना है, कठोरता को और कठोर करके, यही पति का अपेक्षा रहता है। और हमेशा मोमेंट्स को लाइट करना आना चाहिए, और हर बार ये मन को नहीं समझना चाहिए, मन में नहीं समझाना चाहिए कि ये हम ठीक है, चलो भगवान के भक्ति कर रहे हैं तो वैराग्य भी होना चाहिए। ऐसा जो आप आपके मन में चल रहा है, देखिए मैं तो आपको बात कभी किया नहीं, लेकिन आपके मन में यही चल रहा है मैं यहाँ से बोलूं, इसका मतलब मैं कोई त्रिकालदर्शी भी नहीं, ये एक सादा लॉजिक है, सादा तर्कशास्त्र। इसलिए आप इसको करिए, आपको जरूर फर्क आएगा। ये सब ये हम प्रार्थना करते हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी वाइफ को कहती है तो हस्बैंड गलत समझते हैं, तो जो वाइफ को कहती है तो हस्बैंड गलत समझती है, जांच करते हैं वाइफ क्या करे, बोले जांच करते हैं। जब जज करते हैं तो पूरा अपने आप में ही, जब जज भी करते हैं तो उसके बाद भी आपको प्रेम ही आपका उसका उत्तर है, प्रेम से ही आप जीत पाइएगा। भगवान जानते हैं कि दुनिया में सब भगवान को जज कर रहे हैं, अरे जज क्या कर रहे हैं, लोगों ने जज करके डिक्लेयर कर दिया है कि है ही नहीं वो भगवान। दुनिया के लोग, हम ही ऐसे ही थे पहले, दूसरे का क्या बोलना है, हम भी तो ऐसे ही थे, भगवान ही नहीं है। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, एक माता जी थी, वो भगवान का भजन करती थी, तो हम लोग को भी बोलती थी बेटा तुम लोग भी आ जाओ। तो एक बार जबरदस्ती बहुत किया तो हम लोग गए वो भजन में बैठने के लिए, और वो जो प्रवचन करने वाली जो एक माता जी आई थी, इस्कॉन नहीं था, कोई ऐसे ही दूसरा संस्था था, तो कोई माता जी प्रवचन, मैंने बोला अरे भगवान है कहाँ, आप लोग भजन वजन तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भगवान ही नहीं तो फिर भजन किस चीज का हो रहा है। वो माता जी इतना गुस्सा, उसको पता नहीं था वैज्ञानिक रूप से कैसे समझाना है, वो पूरा इतना गर्म हो गई, इतना गुस्सा हुई, डांटने लगी, एकदम चिल्ला के चिल्लाने लगी मंच से ही। तो मैं सोचा रे 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 और कुछ पूछो मत, इन लोगों का पारा हाई हो गया। तो मेरे जैसे नालायक लोग हुआ करते हैं, तो वो भगवान भगवान को कितना बुरा लगेगा कि भगवान के भक्तों को लोग डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। फिर भी भगवान ने मीठा से भगवत गीता सुनाया कि नहीं सुना, मिठास ही कर्कश को जीत सकता। भगवान चाहेंगे तो बोलेंगे अरे नालायको तुम मुझे छोड़ के बैकुंठ से आए हो, पीछे घूमो और एक लात मारो, निकल बाहर, रह भौतिक जगत में, नालायक सड़ता रहे, बोल सकते हैं ना भगवान, भगवान बोल सकते हैं कि नहीं है। और हमने क्या बोला है, वो है ही नहीं, हमने क्या बोला है, वो तो काम ही है, 16,000 पत्नियों के साथ रास करता है, जो मन में अंट संट बंट क्या क्या बोल दिया है ना। लेकिन अब हमको सामने वाला अगर आपको जज करे तो आप उसको जज नहीं, आप उसका उत्तर मिठास से दें। आप सोचिए कि कृष्ण बीच में खड़े हैं, राधा रानी खड़ी और देख रही है आपको कि आप क्या जवाब देंगे, और आप अब क्या जवाब देंगे, सो जवाब दें, समझ लो कि राधा माधव आपके घर में चल के आ गए अष्ट सखियों के साथ और खड़े होकर अब आपको देख रहे हैं कि आप क्या जवाब देंगे, अब आप क्या जवाब दीजिएगा, सो बोलो। हो तब तो हम बहुत प्यार से बात करेंगे, भगवान सामने देख रहे हैं ना, तब तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे है ना। अगर आपको जय पताका महाराज आपके घर पे आ गए और आपके पति ने यही बोला है, तो आप कैसे जवाब देंगे, वो प्रभु फिर तो बहुत मीठा बोलेंगे, पता भी नहीं चलेगा महाराज को हमने झगड़ा किया था, चलेगा पता,
आपके घर में जो विग्रह है ना ठाकुर जी जो खड़े हैं वो सब सुन रहे हैं आपके झगड़े, और गोल्ड मेडल उसी को मिलेगा जिसने उसको बचाया है, घर को जिसने संभाला है। और पत्नी को चाहिए कि अपने मधुरता से घर को बचाए, पति में मधुरता का अपेक्षा कम करिए। पति को भावनाओं में ज्यादा समझ नहीं, इमोशंस का समझ पति को कम होता है। बहुत ही एडवांस डिवोटी बन गया तो समझेगा, लेकिन तब तक वो स्त्री को बहुत जल्दी समझता भावनाओं, वो माँ होती है ना, ममता होती है, तो ममता के कारण उसको समझता है। इसलिए परिवार का संबंध बचाना पत्नी की जिम्मेदारी, और पति का पति को जो है, पति अगर आपको मारे पीटे फिर वो अपना लिमिट क्रॉस कर, जब तक आप पे हाथ नहीं छोड़ रहा तब तक बचाना आपकी जिम्मेदारी। और अगर मारे भी तो आप उसके पैर पे गिर के उसके पैर को आप पकड़ के फिर भी आप घर को बचा सकते, और इसके बाद भी कुछ करे तो आप कभी अलग से मिलिएगा, फिर उसको पांडव सेना में भेजना मैटर, फिर उसका प्रक्रिया अलग है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने घर में अपनी मिठास से इसको आप बचा सकते। कल हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी समय काफी हम आगे निकल लिए, लेकिन कल हमारा होगा पत्नी कैसे घर को बचा सकती है, पत्नी के रोल के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज का हमारा एखने माता जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है प्रभु जी, आपको थैंक्स बोला है। अच्छा माता जी कही है, मेरे पूरे वो पता नहीं आज। तो थैंक यू प्रभु। तो कल मिलेंगे फिर, और हम सब लोग हमरा सबा एक अनम्यूट करे हमरा एक बार हरिकृष्ण महामंत्र उच्चारण করব, এবং প্রভুকে আমরা পূজা আমাদের এত সুন্দর করে সবকিছু বুঝাচ্ছেন সেজন্য আমরা একবার আপনাকে থ্যাঙ্ক করব। সবাই বলেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে শিল প্রভুপাদ কে আনন্দ প্রভু কে প্রেমানন্দে ঠিক আছে বলুন গৌর প্রেমানন্দে।